हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा हैश फंक्शन क्या है। आज हम लोग उसी हैश फंक्शन के ऊपर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2024 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर एक आउटपुट इनपुट दिया गया है, इसके ऊपर हैश फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। और हैश फंक्शन यूज़ करने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो फॉलोइंग चार स्टेटमेंट है, इस चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं ये हैश फंक्शन को यूज़ करके कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट दिए गए हैं, उसके ऊपर हैश फंक्शन यूज़ होगा। हैश फंक्शन में क्या है, एक्स मॉड 10। यहाँ पर देखिए ये जो स्टैक हम लोग यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन में क्या है, जब भी डेटा को सेव करने के लिए हम लोग एक स्टैक यूज़ करते हैं। ये जो स्टैक है इसका लेंथ कितना होगा ये डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है इसका लेंथ 10 तक है या फिर 9 है या फिर 7 है, तो वहाँ पर क्या होता है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट करके, जहाँ पर जब भी 7 दिया जाता तो 0 से स्टार्ट करके 6 होता, तो वहाँ पर 7 हो जाता। बट यहाँ पर देखिए काउंटिंग दिया नहीं गया है कितने लेंथ है, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स मॉड 10। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 से 9 तक। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। देखिए 10 बॉक्स हुआ है। अभी हम लोगों को एक एक, जब भी एक एक करके इनपुट आएगा उसके ऊपर हम लोग एक्स मॉड 10 का फंक्शन यूज़ करेंगे। एक्स का मतलब क्या है, जो इनपुट वैल्यू आ रहा है। तो अभी इनपुट वैल्यू फर्स्ट क्या है, 4 3 2 2, इसके ऊपर अगर मॉड फंक्शन हम लोग यूज़ कर देंगे तो ये सिंपली 10 से डिवाइड होगा। 10 से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 2। देखिए ये 4 3 2 रहेगा, लास्ट में 2 हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो ये रिमाइंडर हम लोगों को बताएगा कि ये नंबर कौन से स्टैक में इंसर्ट होगा। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 2। तो अभी इसी 2 स्टैक में हम लोगों को नंबर ऐड करना होगा 4 3 2 2। अभी नेक्स्ट नंबर क्या आया, 1 3 3 4। मॉड फंक्शन कैसे यूज़ होता है इसको तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। लास्ट में जो रिमाइंडर रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। जो 4 नंबर है तो रिमाइंडर रहेगा क्या, 4। तो 4 को अगर 10 से डिवाइड करना है इसीलिए, तो अभी 4 की जगह पर हम लोग नंबर यूज़ करेंगे 1 3 3 4। नेक्स्ट नंबर आया क्या, 1 4 7 1। तो 1 4 7 1 में लास्ट में क्या है, 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो अभी 1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1 4 7 1। नेक्स्ट नंबर 9 6 7 9, तो लास्ट नंबर है 9, तो हम लोग 9 की जगह पर लिखेंगे 9 6 7 9। नेक्स्ट देखिए 1 9 8 9 नंबर आया है, तो अभी 198 नंबर में लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो ये भी इसी नंबर पे ऐड होगा। बट क्या है, इस नंबर पे अगर नंबर तो ऐड हुआ है, 9 की जगह पर ऑलरेडी एक नंबर बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैग में हम लोग नीचे से फिर स्टार्ट करेंगे कि कौन सा स्पेस खाली है। तो अभी देखिए 0 की जगह पर यह स्पेस खाली है, तो हम लोग लिखेंगे 1 9 8 9। नेक्स्ट नंबर क्या आया, 1 6 6 1 7 1 6 1 7 1 में लास्ट में क्या है, 1, तो 1 की जगह ये नंबर ऐड होगा। तो बट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नंबर फिल्ड है, तो ये नंबर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो उसके
नेक्स्ट नंबर पे ये चला जाएगा, तो नेक्स्ट में भी देख रहा है ये भी ऑक्यूपाइड है, तो उसके नेक्स्ट में चला जाएगा। तो नेक्स्ट थ्री की जगह हम लोग लिखेंगे 6171। अभी नेक्स्ट क्या आया 6173, तो ये 73 लास्ट थ्री है तो इस नंबर पे ऐड होगा, बट यहाँ पर तो स्पेस नहीं है तो वो फोर की चेक करेगा, फोर में भी ऑलरेडी नंबर इंसर्ट है तो ये लास्ट फाइव में इंसर्ट हो जाएगा, 6173 में इंसर्ट होगा। नेक्स्ट 4199 में लास्ट नंबर क्या है 9, तो अभी 9 में इंसर्ट होता बट यहाँ पर तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 0 भी ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो लास्ट 6 में स्पेस है तो ये 6199 पे ऐड होगा। तो अभी देखिए ये पूरा नंबर फिल हो चुका है, अभी स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है वो देखिए, 9679181989 79 ये नंबर हैज वैल्यू सेम है, यहाँ पर देखिए हैज वैल्यू सेम है, सबकी लास्ट डिजिट 9 है तो ये ट्रू हो सकता है। सिमिलरली 1471 ये जो नंबर है और 6171 दोनों के लास्ट नंबर 1 है तो ये भी सेम वैल्यू हैज वैल्यू सेम रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑल एलिमेंट हैज टू बी सेम वैल्यू, हैज फंक्शन में जो ऑल एलिमेंट है यहाँ पर सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं तो ये रॉन्ग है। ईच एलिमेंट हैज ए डिफरेंट वैल्यू, ये भी रॉन्ग है क्योंकि देखिए 1 2 3 3 जहाँ पर तीन नंबर पर लास्ट डिजिट 9 है उसका हैज वैल्यू सेम है तो ये भी रॉन्ग है। 7 1 जहाँ पर लास्ट में 1 है उसका हैज वैल्यू भी सेम है तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हम लोगों को 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 1 and 2 ओनली करेक्ट, तो यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो 1 and 2 ट्रू है। देखिए कितना सिंपल है ये हैश फंक्शन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है तो ये इतना सिंपल है, आप लोगों को ये फंक्शन दिया जाता है, सिर्फ कभी कभी ये नहीं दिया जाता कि हम लोग जब मॉड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो हम लोग स्टैक यूज़ कर रहे हैं उस स्टैक का वैल्यू कितना है, तो वो मॉड फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग स्टैक वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी थियोरिटिकल जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है, मैं इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि हैश फंक्शन क्या है, उसके रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पॉइंट मैंने उसमें उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो को अगर देखेंगे तो देखिएगा ये बहुत ही ईजी हो जा रहा है, चाहे तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इतना ईजी होगा। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।